जी हाँ, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लिया जाए या स्ट्रीम टू में एडमिशन लिया जाए। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि किन स्टूडेंट्स को फायदा मिल सकता है ऑन डिमांड एग्जाम्स का और कौन स्टूडेंट जो है स्ट्रीम टू में जाना चाहते हैं। तो यहां पर आज के इस वीडियो में स्ट्रीम टू और ऑन डिमांड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही एग्जाम अभी अक्टूबर के महीने में होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो इम्प्रूवमेंट के लिए भरना चाहता है या फिर अपने कोई दो सब्जेक्ट फेल हो गया है उनको पास करने के लिए वो जो है इस NIS के बोर्ड में आना चाहता है और जल्द से जल्द रिजल्ट पाकर अपने किसी यूनिवर्सिटी में या आगे एडमिशन लेना चाहता है, तो मैं आपको बताऊं आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन अभी बुकिंग ओपन है जो कि अगस्त के महीने में 17 तारीख से जो है स्टार्ट होने वाले हैं और साथ साथ में सितंबर के पूरे महीने में चलेंगे, यानी कि आप इस बीच में अपनी कोई भी डेट बुक कराकर अपने एग्जाम्स को दे सकते हैं अपनी मर्जी से डेट बुक कराकर। हालांकि इसमें एक समस्या जरूर आ रही है कि इसमें कुछ सेलेक्टिव सेंटर्स ही हैं जिनको जो है ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए डिक्लेयर किया गया है, जिसमें से जैसे कि आपका जो है रीजनल सेंटर्स हैं या फिर कुछ KVs है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हैं, तो आपको पहले सीट अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि आपके सिटी में वो सेंटर अवेलेबल है या नहीं है या फिर आपके सिटी से कितना दूर है जहां पर आप जाकर इस ऑन डिमांड एग्जाम्स को दे सकते हो। ऑन डिमांड एग्जाम्स को देने का फायदा यह है कि इसका तुरंत 45 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिस कारण से आपका साल बच सकता है और आपको जो है आगे एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहूंगा अगर आप में से कोई भी हो जिसको अभी कोई समस्या है या समझ में नहीं आ रहा है कि ऑन डिमांड एग्जाम्स को कैसे बुक करना है, कैसे एडमिशन लेना है, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर है, इसमें हम जरूर आपको जो है हेल्प करेंगे कि आपको कैसे जो है ऑन डिमांड एग्जाम्स में एडमिशन लिया जाता है और उस ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए आपके लिए बुकिंग करके जरूर देंगे। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं, ऑन डिमांड स्टूडेंट जितने भी हैं उनको बता दूं आप लोगों के किसी के भी TMA नहीं होते हैं, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट नहीं होते हैं, तो ऑन डिमांड एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स को कोई TMA के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास भी जानकारी का अभाव रहता है और कई ऑन डिमांड स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो अपने TMA बनाना शुरू कर देते हैं जबकि उनका TMA से कोई लेना देना नहीं है। साथ साथ में अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो जी हाँ, प्रैक्टिकल जरूर ऑन डिमांड एग्जाम्स का होता है, लेकिन प्रैक्टिकल थ्योरी के बाद होता है। जिस दिन आप थ्योरी का एग्जाम देने जाएंगे, मान लीजिए बायोलॉजी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो उस दिन बायोलॉजी के एग्जाम देने जिस हॉल में आप गए हैं वहीं पे NIS के स्टाफ द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा कि आपका इस बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कब होना है और कहाँ होना है, उस बारे में वो जानकारी आपको वहां पर ओरल तौर पर देंगे, यानी कि वहां पर वो एक अनाउंसमेंट करेंगे। उस अनाउंसमेंट को सुनकर आपको ये पता चलेगा कि मेरा जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है या कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है वो आगे किस सेंटर में पढ़ने वाला है और किस तारीख में पढ़ने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करके अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स को दे सकते हो ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए। दूसरा, और मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो लोग थोड़ा सा घबराए होते हैं कि नहीं, इतने कम समय में मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, मैं कैसे एग्जाम दे दूंगा, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त में एग्जाम दूंगा तो शायद मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक और विकल्प है, वो है स्ट्रीम टू का। जी हाँ, स्ट्रीम टू का NIS ने उन स्टूडेंट्स के विकल्प दिया है, या तो आप ऑलरेडी क्लास 12th में या 10th में पास हैं और किसी अपने 1, 2, 3 या 4 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट के लिए भरना चाहते हैं, तो आइए स्ट्रीम टू में आपका स्वागत है। आप उसमें अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपने 4 पेपर तक आप उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए भर सकते हैं, 5 नहीं भर सकते हैं, सिर्फ 4 भर सकते हैं। उस केस में आपको सिर्फ मार्कशीट ही अलॉट होती है NIS द्वारा, ना ही कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा और ना ही कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आपको मार्कशीट जरूर मिल जाएगी इंप्रूवमेंट के तौर पे। और या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ये डर है कि मेरी अभी तैयारी नहीं हुई है, तो वो भी TOC लेकर, 2 सब्जेक्ट का TOC लेकर बाकी 3 अतिरिक्त सब्जेक्ट को स्ट्रीम 2 के माध्यम से अक्टूबर और नवंबर 2021 में होने वाली परीक्षा में बैठकर वो अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दोनों में डिफरेंस यह है कि स्ट्रीम 2 का जो एग्जाम्स होने हैं उसकी डेट शीट आएगा और स्टडी सेंटर आप अपने सिटी में भी चूज कर सकते हो, हर सिटी में आपको जो है स्ट्रीम 2 के सेंटर मिल जाएंगे एग्जाम सेंटर, लेकिन ऑन डिमांड में आपको जो है सेंटर सिर्फ आपका जो है रीजनल सेंटर ही होता है और रीजनल सेंटर ज्यादातर जो है किसी भी राज्य के जो कैपिटल होती है वहीं पे पाए जाते हैं, तो कई बार ऐसा माना जाता है कि आपके जो है जो रेजिडेंस है वहां से काफी दूर पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जस्ट गो फॉर द स्ट्रीम 2, तब आप स्ट्रीम 2 चूज कर सकते हैं और स्ट्रीम 2 में आपको जो है एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आपको ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि मेरे कौन से एग्जाम्स हैं,
क्या मेरे को इतना समय की जरूरत पड़ेगी कि मैं अक्टूबर तक वेट करूं या फिर फटाफट मैं अगस्त या सितंबर में ऑन डिमांड के माध्यम से अपनी क्लास को पास कर सकूं। ये डिसीजन आपको लेना है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रीम टू में या ऑन डिमांड में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो रही हो तो हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे और आपका जो है इस पेपर को क्वालिफाई कराने में पूरी तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। ये थी आज की जानकारी। अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। इसी तरीके के वीडियोज लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।